बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की अनबॉक्सिंग लेकर आया हूं जो कि मैंने ऑनलाइन मंगवाई है। इस किताब के बारे में शायद कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा और शायद मेरे पास अल्फाज भी नहीं कि मैं इसके बारे में इतने मुख्तसर टाइम में आप लोगों को कुछ बता सकूँ। ये किताब मोहम्मद नासिर इफ्तिखार साहब ने लिखी है और उनके कलम ने इस किताब के अंदर एक ऐसा सहर पैदा कर दिया है और अल्फाज को ज़िंदा कर दिया है। इस किताब में ऐसे ऐसे टॉपिक, ऐसी ऐसी बातें हैं कि इंसान की अक्ल व शहूर के दरवाज़े खोल देती है। ये एक ऐसी किताब है जो आप लोगों की ज़िंदगी को बदल देगी। इस किताब में एक बहुत मामूली सी बात से लेकर बड़ी से बड़ी बात तक की बहुत ही उम्दा तशरीह की गई है। ऐसे तरीके से हर टॉपिक को बनाया गया, लिखा गया कि आप हैरान हो जाएंगे और आपकी अक्ल व शऊर के दरवाज़े ऐसे खुलेंगे कि जैसे अभी आप लोग इस दुनिया को जानने लगे हैं। इस किताब के अंदर अक्ल क्या है, सोच क्या है, एहसास क्या है, शऊर क्या है, ये सारी चीज़ें एक छोटी सी छोटी बात से लेकर बड़ी सी बड़ी बात इस किताब के अंदर आपको बहुत आसान और सलीस लफ्ज़ों में बताई गई है। मोहम्मद नासिर इफ्तिखार साहब के कलम ने इस किताब को एक लाजवाल और बेमिसाल किताब बनाकर रख दिया है। तो ये आपके सामने मैंने अनबॉक्स कर लिया है और इस किताब के जो पेजेस हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। तो अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो मैं लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग इस किताब को ज़रूर मंगवाइए। और मुझे यकीन है कि ये किताब आपके लिए एक ऐसा रास्ता साबित होगी, एक ऐसा ज़रिया साबित होगी कि आप अपने रब को इंशाल्लाह ज़रूर पहचानेंगे और वहाँ तक, रब तक पहुँचने के लिए ये किताब आपकी बहुत बड़ी रहनुमा साबित होगी। इसमें इश्क रसूल के बारे में भी बताया गया है, हर वो नुक्ता बताया गया है कि जिससे आप अपनी इस्लाह कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।